हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क, कि हम जो घर की कॉस्ट है वो कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था कि लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मेटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी आती है, एंड फर्स्ट सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आती है। अगर आपने वो वीडियो अगर मैंने जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए, आपके लिए इसमें हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसमें हम निकाल रहे हैं सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जो रहता है आपका प्लिंथ लेवल, या आपका प्लिंथ लेवल हो गया, ठीक है। प्लिंथ लेवल से जो नीचे नीचे आपका जो बिल्डिंग रहेगा, सब स्ट्रक्चर रहेगा, या आपका प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल से नीचे जब आपका एक्सकवेशन तक, या आपका एक्सकवेशन है, ठीक है। और ये आपका सपोज कीजिए आपका ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल। तो फाउंडेशन प्लस अप टू प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल तक जो हम इसकी जो कॉस्ट निकालते हैं वो कितनी आती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर आपका, ये फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की कॉस्ट क्या आती है। उसके बाद हमारी जो आती है सेकेंड फ्लोर की कॉस्ट क्या आती है, इसका मतलब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, और सेकेंड स्टोरी की जो बिल्डिंग होती है मतलब सिंगल एक मंजिल एंड दूसरी मंजिल की जो उसकी जो कॉस्ट आती है कितनी आती है। तो वीडियो को लास्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेट हम इसमें कॉस्ट निकालेंगे। देखिए जो मैंने इसमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डाटा आर ओनली अप्रोक्सीमेट एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन नेचर ऑफ वर्क। देखिए जो हम इसमें कॉस्ट निकाल रहे हैं वो आपके डिपेंड करता है, आपके जो कॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें जो वेरी लिया जाता है अकॉर्डिंग के अनुसार, लोकेशन आपकी जो लोकेशन क्या रहती है, नेचर ऑफ वर्क किस टाइप का आपका वर्क करते हैं, जैसे कि आपका हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर आपका स्कूल बना रहे हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमका कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो आपका नेचर वर्क हो गया। तो उसके बाद आपका स्ट्रक्चर, आपका जो स्ट्रक्चर लेते हैं किस टाइप का स्ट्रक्चर लेते हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि हैवी स्ट्रक्चर, कॉलम उसके अंदर ले रहे हैं, फुटिंग राफ्ट, या फिर किसी भी तरह की आप उसमें बिल्डिंग ले रहे हैं, सिंपल एक घर बनाने के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस आप स्पेसिफिकेशंस क्या देते हैं उसमें, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो क्या लेते हैं, और फुटिंग का रेशियो क्या लेते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक ले रहे हैं उसमें। उसके बाद आपके डिफरेंट एस्टिमेट्स आते हैं, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लेना है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या लेना है आपको, उसके बाद सीमेंट सैंड का रेशियो क्या लेते हैं ब्रिक मेजरिंग के अंदर, आपको 4 इंची वॉल लेनी है या फिर 9 इंची वॉल लेनी है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आपके पास आ जाती है। उसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं मेथड का, ठीक है। तो जनरली मोस्टली आइडियाज़ एंड प्रिलिमिनरी, आपको जो हम कॉस्ट निकालते हैं एक जनरली एक आइडियाज़ मिल जाता है, कोई भी घर बनाने से पहले आपको एक आइडियाज़ मिल जाता है कितनी आपकी कॉस्ट उसमें लगेगी। वो जो हम कॉस्ट निकालते हैं प्रिलिमिनरी से निकालते हैं, एक आइडियाज़ निकालते हैं, और एक वो कॉस्ट होती है आपकी आइटम वर्क, जैसे कि आपको इनिशियल से फिनिशिंग वर्क तक जब कॉस्ट निकालते हैं वो आप एक टेबल बनाते रहते हैं, वो उसमें निकालते चार्ट बना लेते हैं, एक आइडियाज आपको मिल जाता है कि आपको, ठीक है। तो उसका एक आपको घर बनाने के लिए एक आइडिया मिल जाता है। तो हम इसमें आज निकालते हैं सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन के नीचे आपके क्या एस्टिमेट आता है, क्या खर्चा आता है, उसके बाद आपका फर्स्ट प्लिंथ लेवल से ऊपर क्या खर्चा आता है, और सेकेंड स्टोरी का बिल्डिंग क्या आता है। चलो आगे देख लेते हैं जो हम निकालते हैं यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं, जो आपकी जो फाउंडेशन होता है, जैसे कि आपकी ये प्लिंथ लेवल हो गया, ये आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो हमारे ये हो गया प्लिंथ लेवल, ये ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से मिनिमम ये कितना रखते हैं, मिनिमम 1 फीट से 2 फीट तक, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक्सकवेशन, इसका कॉस्ट क्या आता है, जो आपकी ये कॉस्ट आता है ये कितना आता है। तो जो हमारा कॉस्ट आता है कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन एंड प्लिंथ अप टू प्लिंथ लेवल तक, तो 10% टू 15% ऑफ टोटल कॉस्ट।